हे माय बटरफ्लाई, कैसे हैं आप सब? गुड। जब शुगा की शोल्डर सर्जरी हुई और शुगा 2-3 महीनों के लिए रेस्ट पर थी, तब मेंबर ने क्या हंगामा मचाया। वैसे तो आप सभी को पता है, पर फिर भी एक क्विक रिकैप। जब शुगा ट्रेनिंग पर थे तब वो फूड डिलीवरी का काम करते थे। एक दिन खाना डिलीवर करते टाइम कार से उनका एक्सीडेंट हो गया। उनका स्कूटर पलट के उन्हीं के ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से उनके लेफ्ट कंधे पर, लेफ्ट शोल्डर पर चोट लग गई। उस टाइम सुगा ने थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट की। सर्जरी के लिए ना पैसे थे ना टाइम। 2020 तक सुगा दवाई खा के शूट करते थे, लेकिन इस सेट की शूटिंग में सुगा से एक बोतल तक नहीं उठी, जिससे उन्हें और स्टाफ को भी परेशानी हुई। तभी सुगा ने सर्जरी कराने की सोची और फाइनली नवंबर 2020 में सुगा की शोल्डर सर्जरी हुई। फिर 2 महीने तक अपने घर में रेस्ट पर रहे। शुगा कई परफॉर्मेंस में, BTS एंड एपिसोड में, इंटरव्यू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फोटोशूट में शामिल नहीं हो पाए। अब जो मेंबर एक साथ खेलते थे, शूट करते थे, कोई एक मेंबर साथ में नहीं होगा तो याद तो आएगी ही। इसलिए मेंबर परफॉर्मेंस के दौरान या गले मिलते टाइम, चेयर करते टाइम शुगा की जगह खाली छोड़ते थे। ये सारी जगह शुगा के लिए खाली छोड़ी गई है। किसी के साथ इतने सालों तक काम करो, फिर वो अचानक चले जाए, तब भी लगता है कि वो इंसान यही है। जैसे जिहोप रन एपिसोड में वो भूल गई कि शुगा यहाँ है ही नहीं। अब आप 2 टीमों में डिवाइड हो जाएंगे, स्टोरी टेलर और पेंटर, जो स्टोरी के लिए बहुत सी चीज़ें बनाएंगे। 3-3 की टीम बनेगी, 3-1 में, 3 दूसरी टीम में। फिर एक क्या करेगा? क्या कौन जो छूट गया है? हमारे पास सिर्फ 6 मेंबर हैं। 6 मेंबर? ओह, शुगा नहीं है, शुगा छुट्टी पर है। भूल गए जो हो। शुगा ह्योंग अपसेट थे कि वो यहाँ हमारे साथ रह नहीं पाए। ह्योंग, क्या तुम देख रहे हो? चलो अगली बार साथ आए। हम यहाँ विलाई पर अपने फैंस के साथ इस पल को सेलिब्रेट करने आए हैं। शुगा ह्योंग भी इसका हिस्सा है। शुगा ह्योंग हमारे पीछे है। जिमिन कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि शुगा ह्योंग तेजी से ठीक हो जाएंगे और हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। युंगी ह्योंग, तुम्हारी सर्जरी के बाद से तुम्हारी अब्सेंस जितनी हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा फील हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुगा ह्योंग के बिना करना मुश्किल था। शुगा कॉल पे है, जो बोल रहे हैं, वहाँ आपकी तारीफ करने में थोड़ी एम्बेरसमेंट सी फील हो रही थी, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि आपने इस साल हमारे कई गानों पर काम किया है और मैं इस पल ये कहने के लिए तैयार हूँ कि आपके गाने अमेजिंग हैं। युंगिया, तुम्हारे बिना मेंबर का मूड थोड़ा ख़राब है। जब तुम कोई मजाक करते हो तो सब आमतौर पर हंसने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे बिना इसकी कमी है। मुझे पता था ये युंगी के लिए जगह छोड़ने का आइडिया वी का ही होगा। ऐसे आइडिया उनके दिमाग में आते हैं। वी ने शुगा को इमेजिन करके उनके कंधे पर हाथ रख लिया, जिन ने कमर पर रख लिया। वाओ, शुगा ये सब घर में बैठ कर देख रहे होंगे। सच में सेम पिन डाल दी, मामा अवार्ड। हेलो, शुगा कॉल पर है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, हम सब सुन रहे हैं। मैं फ़िलहाल इस लाइव को ब्रॉडकास्ट के ज़रिए से देख रहा हूँ। मैं आर्मी को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिन्होंने हमें ये एल्बम अवार्ड दिया। ये साल का सबसे प्यारा एल्बम है, राइट? इसे यहाँ वापस लाने से पहले हमने अमेरिका में इसकी तैयारी के लिए कड़ी मेहनत की और बहुत से लोगों ने इसे पसंद किया, इसलिए हम आभारी हैं। मैं स्टेज पर खड़ा होना चाहता हूँ और मैं इसके लिए हार्डवर्क कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा चिंता ना करें एवरीवन। मैं यहाँ नहीं हूँ इसलिए थोड़ा एम्बेरेसिंग है, पर मेरा दिल आपके साथ है एवरीवन, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आभारी हूँ। आमी, आई लव यू। ये BTS है। 2-3। हमारे शुगा ह्योंग, चलो कहते हैं, शुगा ह्योंग हेल्थी रहो। 1-2-3। शुगा ह्योंग, चलो हेल्थी रहें। जय के सोच रहे होंगे, आज शुगा खुद नहीं है, चलो उनकी फ़ोटो के साथ ही छेड़खानी करो। अगर इसे ऐसा किया जाए तो ये मोटा हो जाएगा।
प्लीज स्लिम सुगा वापस लाओ, ये स्लिम सुगा ये लाइव है। सुगा हैंग क्या तुम देख रहे हो? सुगा हैंग तुम देख रहे हो ना? जरूर देख रहे होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो उटपटांग करोगे ही। सुगा क्या तुम्हें देख रहे हो? हम दिल से एक साथ हैं। ये सही कहा, मुझे उम्मीद है कि युंगी होंग भी इस मंच से हमारे साथ शामिल होंगे। सुगा का कार्डबोर्ड यहाँ है, फिर मेंबर ही सुगा कार्डबोर्ड के साथ सोलो पिक क्लिक करते हैं। सुगा कॉल पर है। सुगा क्या तुम खुश हो? मैं अभी ठीक हो रहा हूँ। वो इस तरह आर्मी को हेलो कहने आए हैं। सुगा कह रहे हैं हालांकि मैं अभी अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ नहीं कर सकता, पर मैं ठीक होने के लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ। युंगीशी क्या तुम रॉक पेपर सीजर बना सकते हो? हाँ मैं बना सकता हूँ। तो फिर तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारे बिना यहाँ बहुत खाली सा लगता है, बहुत खाली। इतना भयानक मेकअप, ऐसा मेकअप आर्टिस्ट शायद ही किसी को चाहिए होगा। ये क्या है? किसने शुगा को मारा? हमारे शुगा को किसने मारा? हमारे शुगा को किसने पंच किया? एल्बम में से फेवरेट पिक चूज करनी है, मैं ऐसे चूज करूंगा। शुगा 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 वी ने भी शुगा, मैंने भी ये चूज किया। हैंग पहले पियेंगे, युंगी तुम भी ड्रिंक करो। शुगा वापस आ जाओ, नहीं तो अभी पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा। 3, 2, 1 शुगा का शानदार कमबैक। अब तंग करके दिखाना शुगा को। शुगा को ऐसा आने में शर्म आ रही थी। और एक शानदार अपीयरेंस शुगा। बस मुझे लिफ्ट में बैठा दो। ये क्या है? मुझे ऐसे एंट्री लेनी है फिर वैसे ही चला जाना है? बिल्कुल नहीं, मेरी एंट्री कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं हो रही है? वो भी बोल रहे हैं राजा वापस आ गया। शुगा क्या राजा? मैं सिर्फ 2 महीने के लिए गया था। 2 महीने के लिए गए थे इसलिए टाइमिंग भूल गई। मैं किसी से टकराया था जब मैं आ रहा था, सॉरी टाइमिंग मिस हो गई। गुड लक गाइस, मुझे गए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रहा है। मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। सर्जरी की वजह से मैं लगभग 2 महीने तक आप लोगों से नहीं मिल सका, तो मुझे ऐसा लगा कि लोग धीरे धीरे मुझे भूलने लगे हैं, इसलिए मैं ये सोचकर वापस आ गया कि मुझे जल्द से जल्द वापस आना चाहिए। फैन से ने तभी तुम्हें सबसे ज़्यादा याद किया था। इतने टाइम बाद फ़ोटोशूट, मुझे 6 महीने बाद युंगी के साथ फ़ोटो लेने का मौका मिला है। ये मेरे परिवार के लिए सम्मान की बात है, मैं इसे लंबे समय तक अपने पास रखूँगा। मुझे अच्छा लग रहा है हम सभी 7 लोग यहाँ हैं। युंगिया हम तुम्हारी फ़ोटो के साथ शूट करते थे या रन एपिसोड में भी फ़ोटो का यूज़ करते थे। एवरीवन शुगा के साथ शूट किए हुए काफ़ी समय हो गया, उसे सेंटर में खड़ा होने दो। ये एंड नहीं है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। BTS को काम जारी रखने की ज़रूरत है। हम 2 महीने से सुगा के बिना शूटिंग और काम कर रहे थे। कल मेंबर पहले से ज़्यादा एक्साइटेड और खुश लग रहे थे। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि जैसे हम सब एक साथ हंस रहे हैं। आज हम ब्रेवरी गए और मैंने बियर पीते हुए शुगा से बातें की, और शुगा भी सच में खुश लग रहा था। मुझे लगता है कि उसने अपने आप में जरूरत से ज़्यादा काम करने की कोशिश की, इसलिए मुझे एहसास हुआ कि हम सभी को एक साथ रहना चाहिए। शुगा को हक करो, हक करो। शुगा सच के स्नोमैन लग रहे हैं। आंखें बंद करो और 1, 2, 3 गुड नाइस फैमिली। ओके देन, फिर मिलते हैं। टेक केयर, सी यू अगेन।